कि मीर को तो शायरी का शौक, खान आरजू दरबारी शायर। सो एक रोज मीर अपने शेरों को लेकर खान आरजू के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमूजान आप मेरे शेरों की इसलाह फरमाए। मियाँ ये बात पहले तय हुई थी कि तुम और कोई मुतालबा ना करोगे हमसे। मियाँ फौज की तैयारी करो, ये कहाँ तुम शायरी में ओहो तुम जब रोते हो पीछे पड़ते हो जान आफत करते हो। अच्छा तो सुनो, तुम 2 बरस फौज की मुलाजमत इख्तियार करो, अगर तुम्हारे दिल में शायरी जिंदा रही तो हम इसलाह कर देंगे, वरना फौज तुम मुलाजमत ऐश करो, उसके बाद हम तुम्हारे शेरों की इसलाह कर दिया करेंगे। अब मीर का शौक तो दिल में धड़कन में खून में नसों में हवा में और सांसों में तमाम जगह शायर लोग मौजूद। मैं करूं शायरी तो गुस्ताखी बहरहाल। कभी हाथ में लिया कलम कभी तलवार आई, इस छोटी उम्र में क्या क्या ना स्वांग रचाए, क्या क्या ना हमने रंग बदले, के वो फौज से चंद बरस बाद खान आरजू की दरबार बारगा दर हुजूर। हाँ मीर तुम तो भाई बड़े पक्के हो। अच्छा देखो, हमने तुमसे ये वादा किया था कि तुम्हारे शेरों की इसलाह करेंगे, मगर कैसे करेंगे ये तो बात तय ना हुई थी। तो हम वादा पूरा करते हैं मीर। हम सुबह घर से जब मस्जिद को जाते हैं नमाज को, तुम तब आ जाना कि घर से मस्जिद तक का जो फासला है उसमें तुम्हारे शेरों की इसलाह कर दी जाएगी। आप देखिए सामाइन, ये आसमान में सितारे और चांद बनने की ख्वाहिश, मगर उस पर अमल कैसे, कि ये सिलसिला ना कि एक ना कि दो ना तीन ना चार ना पांच ना छह बल्कि 7 बरस तक चला। 7 बरस और मीर हर रोज यूं ही सुबह दाखिल होते। अब मामला यहां पहुंचा कि जब मीर के शेरों में जरा चमक आने लगी, जरा कशिश पैदा हुई, तो उन्होंने खान आरजू से कहा कि हजूर जरा दरबार में मेरी कुछ सिफारिश कीजिए कि मैं वहां चंद शेर। मियां फिर यह बात तो जब तय हो गई थी, और तुम शायरी करके क्या करोगे कि दिल्ली का तो यह हाल है कि जो पत्थर सरकाओ उसके नीचे से शायर निकले। ये शायरी वायरी छोड़ो, ये तो बेकार का शाल है। अच्छा इस बात से बात वाजह हुई, खान आरजू जो बड़े शायर थे और इस जमाने में भी जो बड़े शायर हैं, अगर उनके पास जाओ कर मियां शायरी करेंगे, वो खुद शायर वो आपसे कहेंगे मियां ये किस बेकार की शक्ल में पड़े हो। मामला जब से लेके आज तक वही है। तो दिल्ली के ऊपर वो अपने मामू की इस बात पे ना गए दरबार में और उनकी शायरी शोहरत पाने लगी, ना कि दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान की सरहद के पार निकली। तो दिल्ली के ऊपर जब अफगानों का हमला हुआ तो अफगान बादशाह ने अपने सालार को बुलाया। मियां सालार, हम दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, मगर तुम क्या समझते हो कि फकत वो जो खजाने हैं, वो जो इलाके हैं, वो जो कनीजे हैं, हम उनके लिए हमला करते हैं? नहीं, वहां एक शख्स है जिसके दिल में वो खजाने हैं जो इन हीरे और जवाहरातों से ज्यादा कीमती हैं। तो तुम जैसे ही दिल्ली पे कब्जा करो उस शायर को अपनी गिरफ्त में लो और हमारे सामने हाजिर करो। तो दिल्ली के ऊपर हमला हुआ अफगानों का, दिल्ली कब्जे में आई, मीर गिरफ्तार हुए, सामने पहुंचे। आप लोग तारीख से वाकिफ हैं कि बादशाह ने कहा मीर हम तुम्हारे कदरदान हैं, तुम हमारी दास्तान बयान करो, हम तुम्हें वो इनाम देंगे जो किसी बादशाह ने किसी शायर को ना दिया होगा। हम यहां घोड़ों की पीठें बदलते हुए फकत इन खजानों के लिए नहीं आए,
तुम्हारे दिल में भी अजीम खजाने हैं, बोलो क्या इनाम चाहते हो? हुजूर, खादिम हूं। आपने कहा कि आप घोड़ों की पीठ बदलते हुए दिल्ली तक आए, तो एक दास्तान के बदले सोने का एक घोड़ा मिल जाता। मीर मियां, खूब बात पकड़ते हो। तो हम तुम्हें सोने के दो घोड़े देंगे, हमारी दास्तान लिखो। नहीं हाँ नहीं, ये तो बादशाह बोल रहा है भाई। तो तुम हमारी दास्तान लिखो, मगर मीर को किसी भी हाल किसी भी कीमत पे झूठ लिखना गवारा ना था। वो अपने उस फटे हाल में खुश दो घोड़े गवारा ना किए और वो दिल्ली से तीर की तरह निकले और जा पहुंचे लखनऊ। ही रामपुर से गुजर लखनऊ पहुंचे। मैं दास्तान मुख्तसर यहां से करता हूं कि आसिफ-उद-दौला का जमाना है, दौर है वहां पे। किसी ने कहा कि मियां आसिफ-उद-दौला के दरबार में हाजिर हो, कि वो तो बड़ा रसिया है, वो तुम्हारे फन की इज्जत करेगा। ये दरबार में पहुंचे, आसिफ-उद-दौला मस्त नशी है, मगर सुबह होने को है, सारा दरबार नींद में झूमता है, उनका अभी तक जिक्र नहीं आया। मीर कहते हैं कि मियां मैं ऐसा कोई बैत ऐसा निकम्मा ऐसा जायक नहीं कि मेरा जिक्र नहीं। तो उन्होंने पर्चे पे नाम लिखा, नवाब की तरफ रवाना किया। नवाब ने पढ़ा, मियां मीर दिल्ली से तशरीफ लाए हो। मियां ये दिल्ली वाले तो तन ज्यादा शायरी कम करते हैं। अच्छा अच्छा पढ़ो भाई, तुम भी पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मीर ने इस हालत पे जो शेर पढ़ा, यारो मुझे मुआफ रखो के मैं नशे में हूं। यारो मुझे मुआफ रखो के मैं नशे में हूं। जाम दो तो खाली दो के मैं नशे में हूं। जब ये शेर नवाब ने सुना तो वो समझ गया कि मियां ये तो तंज है। मियां मीर कुछ शायरी वायरी करो, ये तंज मंज शायर शेर सुना भाई शेर। तो लीजिए बब्बर शेर। मीर ने वो गजल पढ़ी जो आपने हमने सबने सुनी है, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया मुझे आप, मुझे आपसे भी जुदा कर चले। मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि तमाम चीजें याद करने के मुतालिक हैं। अब ये हाफजा जो है इसमें इतनी दास्तान, मुझे खुद से भी जुदा कर चले। सो मीर ने नवाब खुश, अरे वाह ये तो हमारी तारीफ हो गई। मीर मांगो, क्या मांगते हो? मांगो मांगो, हम बड़े खुश हुए मियां मांगो। अब मीर ये बात समझ गए कि नवाब ने अपने मुंह से कहा है आसिफ-उद-दौला, और नवाब ने अपने मुंह से कहा है मियां मांगो। सो मौका है नवाब नशे में। मीर ने हुजूर खादिम जो कहेगा वो आपकी शान में तो अदना होगा, मगर आपकी शान शान कुछ नहीं, फकत एक रुपया रोज इनायत कर दीजिए। नवाब ने कहा मियां खूब मंजूर। अच्छा ये एक रुपये रोज का मैं बता दूं आपको, ये हम जगह दास्तान सुना रहे थे लखनऊ में, तो वहाँ एक साहब बैंक में थे, उन्होंने गुणा भाग किया और बाद में कहा एक रुपये रोज का मतलब है आज के 10 लाख रुपये रोज। और उस एतबार से मीर आज भी वो शायर हैं जिनको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, सबसे ज्यादा मशायरा मिलता था। तो बहरहाल
ये तय हुई, लेकिन दरबार के जो लोग थे उन्होंने कहा मियां दो गजलों पे 1 रुपए रोज का मुआवजा। उनका तो नशा हिल गया दिमाग का, वो यूं फटी फटी नजरों से मीर को देखने लगे। अब मीर ने जो अगला शेर पढ़ा, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो हमारी दरबार में शुरुआत है, तुम आगे आगे देखो क्या होता है। सो दरबार में इधर उधर मामला चलता रहा, रात सब नींद में झूमते हैं, मगर नवाब को कौन कहे। तो फिर ये शायर, शायर की जुर्रत को सलाम। अगला शेर उन्होंने पढ़ा, नींद रात आज माफ कीजिएगा, नींद अब तेरे मुकद्दर में नहीं, नींद अब तेरे मुकद्दर में नहीं, रात के पिछले पहर सोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नवाब ने जो घड़ी का अंदाजा किया तो समझा मीर ने तंज किया। सो वो जो हाथ में पैमाना लेके उठने को हुए, वो लिबास पे खुद पैबंद किया। अब जो दरबारी भागे कि ये नवाब को संभाले, ठहरो ठहरो ठहरो, पैमाना छूटा नहीं छोड़ा गया है, कि हमारा शायर हमारा हुदहुद तो इस पे भी शेर कह डालेगा। कहो मीर मियां कहो, तुम तो बड़े फिल्मी शेर कहते हो। ये दाग इश्क है जाते नहीं, ये दाग इश्क है जाते नहीं, दाग छाती के अबस धोता है क्या, आगे आगे देखिए। और मीर इस पे भी बाज ना आए कि नवाब जो उठा और लड़खड़ाया तो उस पे भी, गिर के उठना उठ के चलना सीख ले, गिर के उठना उठ के चलना सीख ले, पाके मंजिल बस खोता है क्या, आगे आ